वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये है मेरा ईद मेकअप लुक। तो गाइज़ सबसे पहले ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। तो गाइज़ ये है मेरा ईद मेकअप लुक। स्पेशल मैंने ईद के लिए ये लुक क्रिएट किया है। आप इस लुक को शादी पार्टी में भी कैरी कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और शेयर करना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है, उसे प्रेस ज़रूर कर देना, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। एंड कमेंट बॉक्स में बताना आपको ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कंसीलर। कंसीलर मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का। तो गाइस काफ़ी अच्छा कंसीलर है, इसी से मैं अपनी आईज़ को फिल करूँगी। कंसीलर लगाने से हमारा आई मेकअप एकदम से निकल के आता है, उभर के आता है। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ आई पैलेट। आई पैलेट यहाँ पर मैंने कलर बोर्ड की मैंने आई पैलेट ली है गाइस। इसमें 60 शेड्स आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी आई पैलेट है। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ की है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस इसमें से मैंने सबसे पहले लिया है पिंक शेड, पिंक एंड ऑरेंज शेड। तो मैं इसे सबसे पहले अपनी आईज़ पर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे जो मैंने अपनी कुर्ती डाली हुई है उसमें ये कलर है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू। तो मैं ये तीनों शेड यूज़ करूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं। और अब मैंने इसके ऊपर लगाया है साइमर। तो यहाँ पर मैंने साइमर इसके ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि ईद मेकअप लुक है। तो गाइज़ थोड़ा आईज़ मेकअप थोड़ा इस तरीके का अच्छा लगेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने दोनों आईज़ को कंप्लीट कर लिया है। मैंने वीडियो स्किप कर दी थी क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती ज़्यादा। तो और यहाँ पर मैंने आईलाइनर ADS का आईलाइनर लिया है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है, बजट फ्रेंडली है गाइज़। 100 रुपीज़ का ये हमें मिल गया था लोकल मार्केट से। एंड अब इसके बाद मैंने ADS का ही मस्कारा लिया है, ये भी वाटरप्रूफ है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। और अब मैं अपने फेस का मेकअप करूँगी तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ लैकमे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। हमें अपने पूरे फेस को पर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोटस की हर्बल की सनस्क्रीन, काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है। और गाइज यहाँ पर मैंने डे मेकअप किया है तो सनस्क्रीन ज़रूरी है, सनस्क्रीन हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने सनस्क्रीन को अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइट प्लस प्राइमर, काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइज़। और ईद मेकअप लुक है तो हमारे फेस पर साइन अच्छी लगेगी, तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है और आप चाहे तो इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना एकदम अच्छा सा लग रहा है, सॉफ्ट एंड शाइनिंग आ रही है मेरे फेस पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने फेस पर ये प्राइमर यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, मेरा शेड है 128। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, एकदम से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर ही अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर जो मेरा डार्क एरिया है वहाँ पर मैंने एक कंसीलर लिया है, जो मेरा मेबलिन का जो कंसीलर मैंने दिखाया था अभी, वही मैंने कंसीलर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं आई, अंडर आइज़ पर और अपने लिप्स के आसपास मैंने कर लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक, इससे मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक है गाइस, समर्स के लिए मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो काफ़ी लंबे समय तक ये चल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अब ली है कंटोर। कंटोर के लिए यहाँ पर मैंने जो मेरी आई पैलेट थी मैंने उसी में से ही ये कंटोर ले लिया है, कंटोर सेट ले ली है। मैं ज़्यादा हैवी कंटोरिंग नहीं करती हूँ अपने फेस पर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने नेक पर, चिन पर और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने कंटोर कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ब्लशर लगा रही हूँ अपने फेस पर, हाईलाइटिंग भी कर रही हूँ मैं अपने फेस की। तो गाइज़ सब कुछ मैंने उस आई पैलेट में से ही ले लिया है, काफ़ी अच्छी आई पैलेट है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपने फेस को हाईलाइट कर लिया है जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस पर हाईलाइट करना था। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी लोअर लैशेस पे, जो मेरा आई मेकअप मैंने किया हुआ है वही मैं शेड यहाँ पर मैं दे रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ गाइज़। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो के लिए ADS की पेंसिल ली है,
मैंने ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो के लिए ब्लैक कलर लिया है, लाइट ब्लैक, एंड मैं ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो को कॉम कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी आईज़ के लिए आई ग्लिटर। यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर का आई ग्लिटर लिया है, ये है स्विस ब्यूटी का आई ग्लिटर, काफ़ी अच्छा आई ग्लिटर है, वाटर प्रूफ है गाइज़। एंड मेरी आईज़ मुझे अनकम्प्लीट लग रही थी तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आई ग्लिटर लगा लेते हैं। तो अब मुझे अपनी आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की ली है, मेरा शेड है प्लम रेड, शेड इसका 36 है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है गाइज़, पार्टी वेयर है एंड काफ़ी अच्छी साइन है इसके अंदर, एंड इसके कैप के अंदर मैग्नेट है, देख सकते हैं आप इसका कैप किस तरीके से बंद हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, अपने बालों को ऐसे ही सामने से ही मैंने हल्का सा रोल करके, और मैंने सिर्फ सिंपल एक पिन लगा ली है, हेयर पिन। और आप चाहें तो हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अगर आपको जो भी हेयर स्टाइल करना हो आप वो कर सकते हैं, मुझे सिंपली यही करना था तो मैंने यही कर लिया है, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके का हेयर स्टाइल। गाइज अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी वीडियो में अगर आपको मेरे से मिस्टेक नज़र आई हो तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मिस्टेक मैं सही करूँगी। और गाइज आपको अगर किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए हैक्स से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, तो वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, एंड आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने एयरिंग्स लिए हैं, ये मैंने मल्टी कलर लिया है, मुझे हैवी ज्वेलरी लेनी थी बट मेरे पास इस अपनी कुर्ती के मैचिंग मुझे नहीं मिली तो मैंने यही डाल लिए, बट ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ऑफ कैमरा, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने कुर्ती के मैचिंग यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, काफ़ी चूड़ियाँ काफ़ी टाइट आ रही थी तो मैंने इसलिए थोड़ा अपने हाथों पे ऑयल लगाने के बाद ही ये चूड़ियाँ पहनी हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक, आपको ज़रूर पसंद आएगा गाइस, और ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।